प्रियंका की एंट्री के बाद कांग्रेस ने बदली नीति, राजनीति में राज करने के लिए बनाई नई नीति। कितना कारगर होगा कांग्रेस का ये हथियार? कौन होगा सत्ता से बाहर? कौन चलाएगा जीत के तीर? देखिए आज रात 8 बजे किस तरह बदल रही है तस्वीर, सिर्फ न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज में और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सिर्फ न्यूज पर। आज हम बात करेंगे कांग्रेस महासचिव और पूर्वी यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी की, जिनके आने से राजनीति में कई बदलाव आए हैं और यूपी में 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली। अब वे 2009 की तस्वीर दोहराने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। ऐसे में तमाम नेता भी कांग्रेस का दामन भी थाम रहे हैं। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी जीत का परचम लहराने के लिए कांग्रेस ने ब्रह्मास्त्र चलाया और प्रियंका गांधी को राजनीति में उतारा। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह कांग्रेस की सीटें 2 डिजिट में थी, वहीं सीटें 2014 के लोकसभा चुनाव में 2 पर सिमट गईं। लेकिन प्रियंका ने जब से हाथ का साथ थामा है, तब से सियासी हवा का रुख बदल रहा है। रूठे नेताओं के साथ दूसरी पार्टियों के नाराज हुक्मरान भी कांग्रेस का दामन थामने का मन बना रहे हैं और कई नेता तो शामिल हो भी चुके हैं। कैसर, जहां बीजेपी के असंतुष्ट सांसद कीर्ति आजाद, सावित्री बाई फुल्ले, फतेहपुर के पूर्व सांसद राकेश सचांद को आस है प्रियंका के आने से इस बार जीत का झंडा कांग्रेस के हाथ में ही होगा। पार्टी की सदस्यता लेने वालों में अफजल हुसैन अंसारी, सीआरपीएफ के पूर्व आईजी रिटायर्ड आईपीएस आफताब अहमद खान, चैंबर ऑफ कॉमर्स के वाइस चेयरमैन सुरेंद्र कुमार, मोहम्मद फारूक भी शामिल हैं। सभी को विश्वास है कि प्रियंका गांधी के आने से राजनीति में आई आंधी जीत की है। न्यूज डेस्क। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सिर्फ नेताओं का साथ काफी नहीं है, ऐसे में ठोस योजना और मजबूत रणनीति की भी जरूरत पड़ती है। इसके लिए सूत्रों की माने तो कांग्रेस जल्द ही रैलियों से किनारा कर सकती है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जैसे बढ़ रही हैं, वैसे ही सभी पार्टियां राजनीति के हल से वोटों की खेती करने की कोशिश कर रही हैं। इसके लिए पार्टियां खुद को बदलाव के साथ मोड़ रही हैं। पैसे और वक्त की नजाकत को समझते हुए कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वह रैलियों के जरिए प्रचार नहीं बल्कि रोड शो और चौपाल का सहारा लेकर जनता तक पहुंचेंगे। कोशिश कम समय में पुख्ता तरीके से अपनी बात जनता के बीच रखने की है। पार्टी का मानना है कि नुक्कड़ सभा, मोहल्ला सभा, चौपाल और रोड शो के जरिए उसे जल्द फायदा मिलेगा। मतलब साफ है कि पार्टियों के निशाने पर सत्ता है, जिसे हासिल करने के लिए वह तमाम हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रही हैं। चुनाव के इस मौसम में राजनीति के छाते में हर पार्टी जनता को दूसरी पार्टी की घोषणाओं से बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। एक समय ऐसा था जब कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज कहा जा रहा था और हुक्मरान इससे किनारे करने लगे थे। प्रियंका के आने के बाद अब तस्वीर बदल रही है और इसी के चलते पार्टी को किनारे कर गठबंधन कर चुकी पार्टियां भी फिर से एक होने के लिए मंथन कर रही हैं। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। लोकतंत्र के मंदिर में सत्ता पक्ष की कुर्सी पर हर पार्टी बैठना चाहती है, लेकिन राजनीति में इसका सफर उत्तर प्रदेश के गलियारों से होकर गुजरता है, जहां सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। प्रियंका गांधी को भले ही कांग्रेस की ओर से पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई हो, लेकिन उनके मुकाबले में कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां बसपा और सपा का काफी वर्चस्व है और इसी को कायम रखने के लिए दोनों ने कांग्रेस को दरकिनार कर गठबंधन किया है। सपा 37 सीट और बसपा 38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन प्रियंका गांधी के आने के बाद दोनों ने कांग्रेस गठबंधन के संकेत दिए हैं।
भले ही सीटों को लेकर पेच फंसा हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सपा और बसपा को भी उम्मीद है कि प्रियंका का चेहरा कहीं न कहीं बीजेपी को भारी पड़ सकता है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा है कि कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। सभी को उम्मीद है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का चेहरा कहीं ना कहीं मोदी की लहर के लिए खतरा बन सकता है, और किसका सपना सिर्फ सपना रह जाएगा यह भी समय साफ कर देगा। न्यूज डेस्क। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लॉगिन करें news.com पर। प्रियंका की एंट्री के बाद कांग्रेस ने बदली नीति, राजनीति में राज करने के लिए बनाई नई नीति, कितना कारगर होगा कांग्रेस का ये हथियार, कौन होगा सत्ता से बाहर, कौन चलाएगा जीत के तीर, देखिए आज रात 8 बजे किस तरह बदल रही है तस्वीर, सिर्फ न्यूज़ पर।